अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ दावत की रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। इन लॉज की दी है मैंने दावत, तो सोचा व्लॉग में आप लोगों के साथ सारी के सारी रेसिपीज भी शेयर कर लूँ। और ये रेसिपीज ऐसी हैं जो कि मैंने अभी तक अपने चैनल पर नहीं डाली हैं। दम बिरयानी बनने वाली है, साथ में ये अफगानी सीख कबाब कढ़ाई बनाऊंगी और रस मलाई भी आज हम घर पर बनाने वाले हैं, और बहुत ही स्पेशल सैलड की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं सीख कबाब के लिए मिक्सचर रेडी करूँगी, और ये सीख कबाब मैं बना रही हूँ ज़बाइश नूर के कहने पे। आई होप सो कि मैं इनका नाम ठीक ले रही हूँगी, काफ़ी मुश्किल नाम है, लेकिन इनकी ख्वाहिश पे जो है ना मैंने आज की दावत में इस रेसिपी को रखा है। खैर, यहाँ पे जो है ना मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और उनको निचोड़ लिया था। प्याज का पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई प्याज होनी चाहिए। इसके साथ ही मैंने इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी थी, और एक जो है ना मैंने इसमें जवा लहसुन का डाला था। लहसुन जो है ना वो हम ज़्यादा नहीं डाल रहे, क्योंकि लहसुन ज़्यादा डालने से ऐसा होगा कि जितने भी हमने मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर या टेस्ट जो है वो कम पड़ जाएगा, और ज़्यादा खाते टाइम हमें लहसुन का ही टेस्ट आ रहा होगा। इसलिए सिर्फ उसमें एक ही मैंने डाला है, चॉप करके उसका पेस्ट बनाया है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, और मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मसालों में मैंने ले लिया था नमक, और साथ ही में गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और सफ़ेद मिर्च। बस ये कम कम सी क्वांटिटी में लेने हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, क्योंकि बहुत स्पाइसी हो जाएगा और हम वाइट कढ़ाई बना रही हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, और सफ़ेद ब्रेड भी आप ले सकते हैं। साइड जो है ना वो आपने काट लेनी है, और बीच का हिस्सा जो है ना वो आपने इसमें डाल देना है। ब्रेड जो है वो बाइंडिंग का बहुत अच्छा काम देती है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था कीमा, और ये चिकन का कीमा है। आप इस रेसिपी को किसी भी कीमा के साथ फॉलो कर सकते हैं, अगर आप मटन या बीफ का कीमा ले रही हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये पॉइंट जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको बहुत अच्छे से गूंदना है। जितनी देर तक हम इसको गूंदते रहेंगे उतनी ही अच्छी इसकी बाइंडिंग होगी। हम बाइंडिंग के लिए कोई भी आटा या मैदा, बेसन, कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ हम इसको गूंदते रहेंगे। और ये जो आप रेस्टोरेंट में जाके या होटल में जाके खाते हैं ना चपली कबाब या सीख कबाब, इनकी बाइंडिंग सिर्फ इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ये इसको बहुत देर तक गूंदते रहते हैं। और बेसिकली जो घर पे बनते हैं नॉर्मल, जो हम लोग चपली कबाब या सीख कबाब बनाते हैं, वो हम सारी चीज़ें डाल के बस हल्का सा उसको मिक्स कर लेते हैं, और बाद में हम कहते हैं कि अच्छे से चिपका नहीं। आप इसको जितनी देर तक गूंदेंगे ना उतनी ही अच्छी इसकी बाइंडिंग होगी। और मैंने तकरीबन इसको 6 से 7 के फिर 8-9 मिनट शायद मेरे लगे थे, इतनी देर के लिए मैंने इसको गूंदा था कि इवन के फिर मेरे हाथ के साथ चिपकना शुरू हो गया था। तो बस यहाँ पे सीख कबाब का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम बिरयानी के लिए चिकन के मैरिनेशन कर लेते हैं, और बिरयानी जो है वो मैं बना रही हूँ आफी राजा के कहने पे। इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ बिरयानी का बता दें, दम वाली बिरयानी कैसे बनती है, तो कुछ टिप्स हैं उनको फॉलो कर लें तो बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, यहाँ पे 1/2 कप मैंने ले लिया था दही, और उसमें मैंने डाल दिए थे कुछ मसाले। मसालों में मैंने डाल दी थी 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और साथ ही में मैंने इसमें 1/4 टीस्पून फूड कलर भी डाला था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था नमक, वो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल दें, और साथ में ही टिक्का मसाला तकरीबन 2 से 3 चम्मच 3 टेबल स्पून भर भर के मैंने इसमें टिक्का मसाला के भी डाले थे। और फिर इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और फिर इस पेस्ट के अंदर जो है ना हमने चिकन और आलूओं को डाल देने हैं। आलू जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल दें, नहीं तो आप आलूओं को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरी रेसिपीज़ को इतना शौक से देखते हैं, फिर ट्राई करते हैं, और फिर मुझे इंस्टा पर पिक्चर्स भेजते हैं कि हमने बनाया, बहुत अच्छी बनी है। और मुझे उस टाइम पे इतनी खुशी होती है कि आप लोग जो है ना इस चीज़ को ट्राई करते हैं और आप लोगों से अच्छा बन जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं सारी की सारी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली घर के मसालों से आप लोगों को बनाना बताती हूँ। असल में जब हम मसालों से हल्का फुल्का खेलना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा हम चीज़ों को डिफरेंट तरीके से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट दे देते हैं हमारी डिशेस को। तो बस यही चीज़ें होती हैं जो घर के नॉर्मल से मसालों, नॉर्मल से चीज़ों से बन जाती हैं और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देती हैं। फिर यहाँ पर जो चिकन है वो मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ रस मलाई, और रसमलाई के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 kg दूध, और उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। साथ ही में मैंने ले लिया था 1 कप पानी का, और उसमें डाला 3 टेबलस्पून सिरका, और इस सिरके वाले मिक्सचर को हम दूध में डालेंगे, ग्रेजुअली डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, और बस इतनी देर के लिए पकाना है कि दूध जो है ना वो थोड़ा सा कर्डल हो जाए।
उसमें से जब पानी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा ना, तो तब उस पॉइंट पे आपने इसको छान लेना है और उसमें से पानी मुकम्मल खुश कर लेना है। अगर आपको इसकी मुकम्मल रेसिपी चाहिए कि रसगुल्ले कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप जो है ना चैनल पर जाके देख सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं शुगर सिरप रेडी कर रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे 2 कप पानी ले लिया था, 1/2 कप शुगर ले ली थी और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। साथ में ही इसके मैंने 2 से 3 इलायची डाल दी थी, जरा सा इसको तोड़ के आपने डालना है ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए, और बस इसको हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, जो रसगुल्ले वाला मिक्सचर है ना, वो हमने अब जार में डालना है और इसको अच्छे से हमने ग्राइंड कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाए। अच्छा, रसगुल्ले बेसिकली सबको इसलिए ना मुश्किल लगते हैं क्योंकि आखिर में इनको गूंदना बहुत देर तक पड़ता है और बिल्कुल ऐसे पेस्ट टाइप का इसको बनाना पड़ता है। तो मुझे ये एक बड़ा अच्छा एक आइडिया मिला था कि क्यों ना मैं इसको ग्राइंडर जार में डाल के कर लूँ, तो ऑटोमेटिकली इसका बहुत अच्छा टेक्स्चर होगा। तो इसलिए मैंने अपनी आसानी के लिए इसको ग्राइंडर जार में डाल के इसकी बॉल्स बना दी थी। अच्छा, यहाँ पे भी आप मिक्सचर देख लें, मैं इसको हाथ के साथ मसल रही हूँ तो ये कितना क्रीमी सा लग रहा है और दोबारा से बहुत आसानी से इसकी बॉल बन रही है। तो मतलब बहुत आसान सी एक रेसिपी है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे आराम से घर पे आप इसको बना सकेंगे। कि जो बॉल बनानी है वो आपने छोटी छोटी करके बनानी है क्योंकि ये थोड़ा सा पानी में जाने के बाद भी स्वेल आउट हो जाती हैं, तो बस आप उस हिसाब से बॉल्स बना लें। अच्छा, अब इन बॉल्स को हम उठाएंगे और जो शुगर वाला पानी हमने बनाया था उसमें डालेंगे, और यहाँ पे हमने टाइमिंग का ध्यान रखना है। स्टार्ट में हमने जो है ना तकरीबन 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमने इनको पकाना है और थोड़ा सा इनको दूर दूर करके पका लें, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कवर करना है और अगेन 3 मिनट के लिए हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है, और जब आप इसको कवर करके पकाएंगे ना, तो उसके बाद देखिएगा कि ये खुद ही फूल जाएंगे। तो जब तक वहाँ पे रसगुल्ले रेडी हो रहे हैं, इस साइड पे मैंने लेदर से बर्तन में तकरीबन 1/2 kg दूध ले लिया था, और रसमलाई के लिए आप लोगों को पता है सिर्फ हमें दूध ही चाहिए और भी इसमें और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं ऐड होता। तो यहाँ पे दूध को जो है ना मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें येलो फूड कलर भी डाला था, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालते हैं तो डाल दें। और इसके साथ ही थोड़ी सी मैंने इसमें मिल्क क्रीम भी डाली थी और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था, और इतनी देर के लिए हम इसको पकाएंगे जो दूध है ना वो हल्का हल्का सा गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पे देख लें रसगुल्ले जो हैं वो कितने ज़बरदस्त फूल गए हैं, और ये इतने फ्लफ़ी इतने स्पॉन्जी होते हैं, इनके अंदर सही शुगर सिरप चला जाता है, ये बहुत जब हम इनको इसे निचोड़ते हैं तो सही इसमें से पानी निकलता है और ये टूटते भी नहीं है। तो इसलिए आराम से आप इसको रस मलाई वाला जो मिक्सचर होता है उसमें भी देर तक पका सकते हैं। तो अभी हम इसको शुगर सिरप में से निकालेंगे, साइड पर करेंगे, और जो दूध हमने बॉयल होने के लिए रखा था ना उसके अंदर इसको डाल देंगे। लेकिन यहाँ दूध के अंदर चीनी मैंने नहीं डाली है, ठीक है, क्योंकि जो शुगर सिरप वाला पानी मैंने बनाया था स्टार्ट में वो हम इसके अंदर डालेंगे। आप वैसे अगर नॉर्मल शुगर डालना चाहते हैं वो भी डालते हैं, लेकिन वो वाला पानी वैसे ही वेस्ट हो जाता, तो इसलिए मैंने दूध में डाल के उसको पकाया था। उसके बाद हम इसमें रसगुल्ले वाला मिक्सचर डालेंगे और दोबारा से इसको पकाएंगे, कवर करेंगे, और इनको दूध में भी अच्छी खासी देर के लिए हम पकने देंगे। तो आराम से इसको आप हल्की आंच में रख रहे हैं या तेज आंच पे रख रही हैं, ये टूटेंगे नहीं, आप इनको दूध में जितनी देर तक पकाना चाहते हैं पका लें, और बस हल्का सा दूध को गाढ़ा कर लें और रसमलाई जो है वो आपके पास हो जाएगी रेडी। डिब्बे वाली रसमलाई अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जो है ना घर पर भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे रसमलाई हमारी हो गई थी रेडी, अब मैं चलती हूँ सीख कबाब कढ़ाई की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक पेस्ट रेडी करेंगे। उस पेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया था धनिया, थोड़ा सा पुदीना, तकरीबन 6 से 7 बादाम, 1 जो है ना मैंने हरी मिर्च ले ली थी, और 1 जो है ना मैंने मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको ब्राउन कर लिया था। इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और साथ ही में 1/2 कप दही भी डालेंगे, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और अब एक अलग से ग्राइंडर जार के अंदर मैंने तकरीबन 10 से 12 काजू ले लिए हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको भी हम जो है ना ब्लेंड करेंगे और काजू का भी हम पेस्ट बना लेंगे। ये हम सीख कबाब कढ़ाई के लिए बना रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे जो सीख कबाब के लिए मिक्सचर रेडी किया था उसको मैंने स्टिक्स पे लगा दिया था। आप इसको ओवन में बना रहे हैं तो भी ठीक है, मैं इसको सिंपल तवा पे बनाऊंगी क्योंकि बहुत से लोगों के पास ओवन नहीं होता, तो फिर वो कहते हैं कि हम ओवन के बगैर कैसे बनाएं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊँ कि जिनके पास अगर नहीं है, जो जिनके पास अगर ये सहूलत नहीं भी है, तो वो आराम से ये रेसिपीज़ घर पर ट्राई कर सकें। तो इस सारे मिक्सचर को मैंने स्टिक्स पे लगा दिया था, और थोड़ा सा मिक्सचर जो मेरे पास बच गया था ना, इसको मैं बाद में करूँगी क्योंकि मेरे पास स्टिक्स नहीं थी। तो बाद में जब ये पक जाएंगी तो बाकी की स्टिक्स के ऊपर मैं ये मिक्सचर लगा के बना दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिरयानी, और बिरयानी के लिए यहाँ पे ऑयल के अंदर जो हमने चिकन मैरिनेट किया था ना, वो वाला चिकन डालेंगे। सिंपल, बस हमने इसको कवर करना है और पकने के लिए छोड़ देना है, और इतनी देर के लिए हमने इसको पकाना है कि इसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और चिकन और आलू जो है वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पे मैं ग्रेवी रेडी कर रही हूँ बिरयानी के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑयल के अंदर तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की प्याज डाली थी और उनको हल्का सा मैंने कलर दिया था, ब्राउन कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें डाला था 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको भी मैंने फ्राई कर लिया था। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चें। तकरीबन 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, चॉप कर लिए थे, 2 हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने मिड में से कट कर लिया था, और ये हम इसमें डालेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और फिर कवर कर लेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ पे टमाटर हमारे पास गल चुके हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी बिरयानी मसाला, जो भी नॉर्मल घर में बिरयानी मसाला पे इस्तेमाल करते हैं वो डाल दें। मैं इसमें शान बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, 1/2 पैकेट मैंने इसमें डाला था। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी बनानी है तो फुल पैकेट आप डाल दें। साथ में मैंने इसमें इमली डाल दी थी, मेरे पास आलू बुखारे नहीं थे इसलिए इमली डाली, आप आलू बुखारे डाल दीजिएगा। उसके बाद से दोबारा इसको मिक्स करूंगी और पकाऊंगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं इसमें दही डाल रही हूँ, तकरीबन 1/2 कप दही डाला था और दोबारा से मिक्स कर लिया था, ऑयल सेपरेट होने तक मैंने इसको पका लिया था। अब यहाँ पे देख लें, चिकन हमारे पास गल चुका है और पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब बस सिंपल मैं इसको थोड़ा सा कोयले का धुआं दे दूंगी और चिकन को उठा के हम ग्रेवी में डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ग्रेवी जो है ना वो हमारी बिरयानी के लिए रेडी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ सीख कबाब कढ़ाई। तो ऑयल के अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ले लिया था लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट नहीं डाला, सिर्फ लहसुन का पेस्ट, ठीक है। हल्का सा उसको हम ब्राउन करेंगे, कलर दे देंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम और प्याज और वो पुदीना धनिया वाला जो पेस्ट हमने बनाया था वो हम इसमें डालेंगे, और जो मिक्सचर जार के अंदर जो थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था उसमें पानी डाल के मैंने इसको दोबारा से पकाया था और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। इसके बाद मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट डाल रही हूँ, और ये पेस्ट ऑप्शनल है। अगर आपको टमाटरों का फ्लेवर ज़्यादा नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप कर सकती हैं। बहरहाल मैंने थोड़ा सा ग्रेवी को ज़्यादा बनाने के लिए इसमें टमाटर भी डाले थे, अच्छा टेस्ट था, मतलब डाल सकते हैं आप। साथ में ही मैंने इसमें मसाले डाले थे, नमक और 1/2 टी स्पून सफ़ेद मिर्च और 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर, बस यही 3 ही चीज़ें इसमें जाएंगी। और दोबारा से हम इसको मिक्स कर लेंगे और ऑयल सेपरेट होने तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया था 1/2 कप दूध का और उसमें डाली है 3 चम्मच मैंने मिल्क क्रीम, अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये जो मिक्सचर है ना ग्रेवी में जाने के बाद इतना कोई ज़बरदस्त क्रीमी सा फ्लेवर देता है ग्रेवी को, तो आप लोगों ने जो है ना मस्ट इसको इस ग्रेवी के अंदर शामिल करना है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। दोबारा से मिक्स करेंगे और ग्रेवी हमारे पास हो जाएगी रेडी।
अभी मैंने यहाँ पे तवा पे थोड़ा सा ऑयल डाल के सीख कबाब जो है ना वो फ्राई कर लिए थे, और सीख कबाब चिकन से बने हुए हैं तो आराम से जो है ना तवे पे बन जाएंगे, क्योंकि चिकन एक ऐसी चीज़ है हवा भी लग जाए तो फ़ौरन से पक जाता है, तो इसलिए आराम से जो है ना मैंने तवे पे बना लिए थे। अच्छा, जो सीख कबाब के लिए मैंने मिक्सचर बनाया ना, ये आगे बड़ी ईद आ रही है तो आप लोगों को ज़रूर ज़रूर बारबेक्यू के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर आप इसको कोयला पर बना रही हैं तब तो बस मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। तो यहाँ पे मेरे पास सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। अब इन सीख कबाब को जो है ना मैं ग्रेवी में डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छा, आज आप लोगों के साथ सारी की सारी रेसिपीज हैं, कोई भी गपशप मैंने नहीं की है। असल में ऐसा है कि आप लोगों के मैसेज भी मुझे आते रहते हैं कि प्लीज रेगुलर व्लॉग डाला करें। रेगुलर व्लॉग डालना बहुत मुश्किल हो गया आजकल, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। और हस्बैंड चाह रहे थे ना कि आंटी और मेरी मामा लोग जो है सबको इकट्ठा इन्वाइट करते हैं, तकरीबन 20 से 25 बंदे बन जाएंगे अगर सबको इकट्ठा बुला दूंगी, तो इसलिए मैंने कहा कि इन सबके लिए इकट्ठे खाना बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं एक दिन एक की दावत कर लेते हैं तो दूसरे दिन हम दूसरे की कर लेंगे। और आजकल मेरे पास रिंग लाइट भी नहीं है तो मेरे लिए व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसलिए ना आपको आजकल बहुत कम कम से मेरे व्लॉग देख रहे हैं। खैर, यहाँ पे जो काजू वाला पेस्ट था ना वो मैंने इसमें डाला था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और ये ज़बरदस्त सी कढ़ाई आपके पास रेडी हो जाएगी। इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कढ़ाई मैंने बनाई और साथ में मैंने तकरीबन 4-5 रोटियाँ बनाई थी कि इतना कोई नहीं खाएगा, क्योंकि बिरयानी है तो बिरयानी के साथ इतना कोई रोटी को नहीं देखता, लेकिन फिर माशाल्लाह से मुझे उठ के इतनी ज़्यादा रोटियाँ साथ में दोबारा बनानी पड़ी थी क्योंकि इसका इतना अच्छा टेस्ट था। अच्छा, आखिर में जो है ना मैंने इसके ऊपर मेथी डाल दी थी और साथ में इसको भी मैंने कोयले का धुआं दे दिया था, क्योंकि सीख कबाब है तो उसमें कोयले का धुआं देना मस्त था क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे इसके साथ ही मैं सैलेड बना रही हूँ, और सैलेड जो है ये एक बहुत ही स्पेशल सैलेड है। आप इसको जब ट्राई करेंगे ना तो फिर आपने हर दावत में इसको बनाना है क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया था 3 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर। सिंपल सिरका नहीं लिया, ठीक है, फ्लेवर वाला मैंने लिया था एप्पल साइडर विनेगर। आप सिंपल वैसे सिरका भी डाल दें, कोई मसला नहीं है। और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 4-4 चम्मच केचप और मेयोनीज के भी डाले थे। थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाली थी और पिंक सॉल्ट मैंने इसमें डाला था, और साथ में जो है ना मिल्क क्रीम भी डाली थी। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था, और बहुत अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि एक ऐसे सॉस सी आपके पास रेडी हो जाए। और ये बहुत ज़बरदस्त सॉस होती है, अगर आप किसी भी किस्म की सैलड बना रहे हैं तो उसके साथ इस सॉस को आप ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें बॉईल की हुई लोबिया और चने डाल दिए थे, सलाद के पत्ते मैंने चॉप करके वो डाल दिए थे, और साथ में खीरे और टमाटर चॉप करके डाले थे, प्याज हमने इसमें नहीं डालनी है, ठीक है। और मिक्स फ्रूट 1/2 कप वो मैंने इसमें डाला था, थोड़े से मैंने इसमें काजू डाल दिए थे, और उसके बाद मैंने इसमें बॉईल की हुई मैक्रोनी डाल दी थी। मैक्रोनी आप किसी भी शेप की ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सैलेड जो है ना वो आपके पास रेडी हो जाएगी, और ये कोई इतनी डिलिशियस इतने मज़े की सैलेड बनी है कि पूछे मत। जो लोग आजकल जो है ना कम खा रहे हैं, डाइट वगैरह कर रहे हैं, तो ये सैलेड ले लें, पेट भर जाएगा आपका। और यहाँ पे बिरयानी को दम पे लगा दिया था, बस थोड़े से चावल, थोड़ा सा ग्रेवी मसाला और थोड़े से फिर चावल, इस तरह से आपने तेल लगा देनी है, और टॉप पे जो है ना मैंने फूड कलर, धनिया और हरी मिर्चें, और बस ये सब कर लिया था। और ये जेठानी ने दम पे लगाया था क्योंकि मेरी हिम्मत जो है ना वो ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे सैलेड देख लें, ये सैलेड जो है ना बस मैंने ये एक बड़ी सी ट्रे बनाई थी, मेरे माइंड में था कि बस बिरयानी के साथ थोड़ा थोड़ा सा सैलेड सब डालेंगे, लेकिन माशाल्लाह से इतना खाया सब लोगों ने, इतना अच्छा लगा कि खाना खाने के बाद ना दोबारा से अपनी प्लेट में थोड़ा थोड़ा दोबारा से डाल के उन्होंने खाया था, बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट था। और बिरयानी की फाइनल लुक देख लें, बिरयानी जो है वो दम पे जठानी नहीं लगाई, तो उस दौरान मैं बच्चों को होमवर्क करवा रही थी और मेरी खुद की भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के काम करूं, बस छोटा सा ही फिर बिरयानी का क्लिप लिया था।
बहुत ही ज़बरदस्त सारी चीज़ें बनी थी, सबको बहुत अच्छी लगी। और स्पेशली जब कोई खा रहा और साथ में एक दो तारीफ़ें कर दे ना आपकी कि बहुत अच्छा बना है, तो खुद ब खुद ही सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। और आंटी और चाचू ने तो बहुत तारीफ़ें की, सबको खाना बहुत अच्छा लगा था। और होप सो कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा और दावत के लिए आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी मिल गई होंगी। इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।